नंबर फोर में अभी हम देखेंगे द मेकिंग ऑफ जर्मनी। द मेकिंग ऑफ जर्मनी, यहां पर जर्मनी और इटली दो नेशन स्टेट के रूप में उभर के बाहर आएंगे, और ब्रिटेन। तो ये जो कंट्रीज है नेशन स्टेट, जो आगे भी हमने देखा नेशन स्टेट क्या है कि जिसकी एक फिक्स बाउंड्री है, कोई रूल्स रेगुलेशन है, कोई कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉमन कल्चर, कॉमन हिस्ट्री, कोई एक नेशनल एंथम है, कोई देश की कोई पहचान है, जिसका नाम है एक नेशन स्टेट। तो यहाँ पर देखें कि सबसे पहले जर्मनी से शुरुआत होती है। तो जर्मनी के अंदर क्या क्या हुआ था, कंजर्वेटिव्स मोबिलाइज्ड नेशनल सेंटीमेंट्स टू द प्रमोट स्टेट पावर एंड द सिक पॉलिटिकल डोमिनेंस ओवर द यूरोप। मिडिल क्लास ट्राइड टू यूनाइट जर्मनी बट वेयर सप्रेस्ड बाय द मोनार्ची एंड द मिलिट्री पावर्स विद द सपोर्ट ऑफ लैंड ओनिंग क्लास। तो कंजर्वेटिव से वो जो ये चीज नहीं होना देना चाहते थे, और इनके साथ साथ इन लोगों के जो कुछ कुछ पावर्स है, मिडिल क्लास के जो पावर्स है, उनको जर्मनी के जो मोनार्च थे, मतलब कि जो राजा महाराजा थे, उन्होंने दबा दिया, और सेना को हेल्प लेके, और जो लैंड ओनर्स थे, जो जमींदार थे, उनके जरिए जो लोकल लेवल पर भी जो चल रहा था, उन सभी को दबा के उनको बाहर आने दिया नहीं। तो इसी प्रकार से ये जो उनकी आतंकवादी प्रवृत्ति चल रही थी 1848, आगे भी हमने देखा 1848 से चल रहा था, वो 1848 के बाद ये सब कहानी यहाँ से शुरू होती है। तो 1848 के बाद यूरोप में जो ये, पर जर्मनी के अंदर एक अलग से घटना बन रही है, और सबसे पहले जर्मनी अपने आप को एक जर्मनी राष्ट्र में घोषित कर देता है। अब यहाँ पर क्या हुआ, इतने लोगों को प्रेशराइज करने के बाद द पर्सिया इमर्ज टू यूनाइट द जर्मनी। अब जो प्रशिया है वो इमर्ज टू यूनाइट द जर्मनी, एक जर्मनी एक देश बनने जा रहा है, इसके अंदर ये प्रोसेस चल रही है। ओटो वन बिस्मार्क, जो पूरी की पूरी रिवोल्यूशनरी प्रोसेस है, क्रांतिकारी एक्टिविटी है, जिसके अंदर ओटो वन बिस्मार्क जो एक बहुत बड़े कार्यकर्ता थे, उनके एक बहुत बड़े क्रांतिकारी थे, रिवोल्यूशनरी थे, उनके नेतृत्व में उनके साथ मिलकर सब लोगों ने बिकम द आर्किटेक्ट ऑफ दिस प्रोसेस। तो उन्होंने पूरा का पूरा यूनिफिकेशन किया जर्मनी का, और जर्मन नाम का एक कंट्री वर्ल्ड के मैप में आया। तो ये जो है ओटो वन बिस्मार्क का रोल बहुत बड़ा है इसके अंदर। थ्री वॉर्स वर सेवन इयर्स विद द ऑस्ट्रिया, डेनमार्क एंड फ्रांस के साथ 7 साल तक लड़ाई चली थी। ये लड़ाई के बाद ये जो उन्होंने मकसद पाया, जर्मनी का यूनिफिकेशन हुआ, उनका कॉन्स्टिट्यूशन भी बना। द पर्शियन किंग वॉज विलियम वन बिकम द एम्परर ऑफ द यूनाइटेड जर्मनी। उनके जो राजा थे पर्शिया के राजा, उनके जो पर्शियन किंग थे विलियम वन, उनको बाद में जर्मनी का, यूनाइटेड जर्मनी का एक राजा घोषित कर दिया विलियम वन को 1871 में। उसके बाद जो एक चर्च उनके महल में, वर्सायल के एक महल में ये जो कमिटी गठन हुई, और वहां पर ये घोषित कर दिया कि विलियम वन हमारे एक महान एक फर्स्ट राजा बनेंगे जर्मनी के, यूनाइटेड जर्मनी के। इसके बाद 18 जनवरी 1871 में एक काम हुआ कि वहां पर बहुत ठंड पड़ी, और ठंड की वजह से क्या हुआ कि उन लोगों को कमिटी ने मीटिंग की राजा के जो प्लेस ऑफ द पैलेस ऑफ मिरर, वहां पर, तो वहां पर एक रॉयल फैसिलिटी के साथ जो राजा महाराजा रहते थे उनके एक महल में मीटिंग की, और मंत्रियों के साथ, और वहां पर लीगली उन्होंने प्रोसेस के साथ राजा को अपना फर्स्ट किंग घोषित कर दिया। और ओटो वन बिस्मार्क भी वहां पर इम्पोर्टेंट रोल अदा कर रहे थे। ओटो वन बिस्मार्क का नाम बहुत आगे भी आएगा, और ये जर्मन रिवोल्यूशन में बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन थे। इसके बाद जो उन्होंने करेंसी, बैंकिंग सिस्टम, लीगल एंड जुडिशरी सिस्टम को लीगलाइज कर दिया, तो एक स्टैंडर्ड सिस्टम को उन्होंने लीगलाइज किया, और जर्मनी एक टाइप से पूरे के पूरे यूरोप में एक आइडेंटिफाई और एक आदर्श की तरह बना रहा, और इसको फॉलो करने के लिए अलग अलग यूरोपियन कंट्रीज में उसको भी सिस्टम को फॉलो किया गया। जिसके अंदर देखे कि 1848 में जो अलग अलग तरीके से हमने देखा कि राजा महाराजाओं ने मोनार्ची को हटाने के लिए और जो हेल्प लिया मिलिट्री सिस्टम का, लैंड ओनर्स जो जमींदार है उनको, उन्होंने जो मिडिल क्लास लोगों को परेशान करके ये जो जितना भी विद्रोह हुआ था उनको दबाने की कोशिश की, बट फिर भी जो क्रांतिकारी थे वो आगे आए, और पर्शियन राजा जो थे विलियम वन को चूज करके उन्होंने जर्मनी का यूनिफिकेशन किया, जिसके अंदर वो लीगली ये सब चीजें भी उन्होंने लागू कर दी। ओटो वन बिस्मार्क इस पूरी की पूरी प्रक्रिया के बहुत बड़े हेड थे, जो कई बार पूछा गया है ओटो वन बिस्मार्क, जिस तरह से भारत में सरदार वल्लभ भाई पटेल है, उनको भी भारत के
जैसे यहाँ पर ओटोमन बिस्मार्क ने पूरा का पूरा जर्मनी का यूनिफिकेशन किया था, इस तरह से सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, जो हम सेकंड चैप्टर में देखेंगे, तो उसके अंदर भी इंडियन रिवॉल्यूशन में ही आएगा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जो जितने भी छोटे छोटे राजा महाराजा भारत की आजादी के टाइम पे सबको एकजुट करके पूरे अखंड भारत का निर्माण किया था। तो उसी तरह से एक बात मैं जोड़ना चाहता हूँ कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को भी भारत का बिस्मार्क कहा जाता है, ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है, उस चैप्टर में आएगा। तो यहाँ पर ओटोमन बिस्मार्क ने भी पूरा का पूरा जो आर्किटेक्ट थे ये पूरी की प्रोसेस को उन्होंने हैंडल किया था। इसके बाद ये जो उठाए गए जितने भी कदम है, वो एक कार्यवाही जितनी भी थी, इस तरह से जर्मन पूरा का पूरा यूरोप में एक मॉडल बन गया। जर्मनी के बाद हम देखेंगे द यूनिफिकेशन ऑफ इटली। अब यूनिफिकेशन ऑफ इटली तो जर्मनी का तो हमने देख लिया, एक आदर्श मॉडल बन गया। अब यहाँ पर देखें कि इटली फ्रेगमेंटेड बिटवीन द सेवन स्टेट, छोटे मोटे सात स्टेट में वो डिवाइडेड था। अब इटली का मैप आपने देखा होगा इस तरह से है मैप यहाँ से, और इस तरह से मैप आपने देखा उसमें यहाँ पर सार्डिया पिडमेंट है जहाँ पर उनके जो राजा थे वो रहते थे। बाकी पूरे के एरिया में नॉर्थ पार्ट, साउथ पार्ट और मिडिल पार्ट के बारे में हम डिस्कस करेंगे आज। सार्डिया पिडमेंट रूल्ड बाय द इटालियन किंग, जो इटालियन किंग थे वो सार्डिया पिडमेंट नाम का एक आइलैंड जैसा जो अलग से एरिया था उसके अंदर वो लोग रहते थे। नॉर्थ इटली वॉज अंडर द ऑस्ट्रियन हैम्सबर्ग वॉज रूल्ड बाय द पीपल, तो हैम्सबर्ग पीपल के हाथ में था। ऊपर का जो नॉर्थ पार्ट है इस तरह से इटली का मैप है, जिसके अंदर ये जो ऊपर का नॉर्थ पार्ट है इस तरह से आपको इटली का मैप दिखाई देगा। इसके अंदर यहाँ पर सार्डिया पिडमेंट है, यहाँ पर से ये रूलिंग करते थे, ये नॉर्थ पार्ट में हैम्सबर्ग का रूलिंग था और नीचे दो सिसिलीज कंट्री थे और बीच में जो पोप के अंडर में था। अब ये पूरा का पूरा इटली सात स्टेट में डिवाइडेड था, इसको यूनिफाइड कर दिया गया था। इसके अंदर नॉर्थ इटली वॉज अंडर द ऑस्ट्रियन हैम्सबर्ग, तो ऊपर का पार्ट आपने देख लिया। द साउथ इटली वॉज अंडर द बर्बन किंग्स ऑफ स्पेन, ये बर्बन किंग जो पहले भी हमने देख लिया वो बर्बन किंग स्पेन वाले उसके अंडर में था, दो सिसिलीज कंट्री स्टेट थे छोटे छोटे। और इटालियन लैंग्वेज वाज टू हैड मेनी डायलैक्ट्स, तो यहाँ पर देखा जाए तो इटली के अंदर जो लोग रहते थे यहाँ पर, तो ये एक राजा की कहानी जो पहले बताऊं मैं, पहले ये देख लेते हम लोग। एफर्ट्स ऑफ द मेजिनी इन द 1831 फेल, 1831 में गैसिफी मेजिनी ने कोशिश किया बट वो फेल गया। उसके बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ यूनिफिकेशन फेल ऑन द किंग विक्टर, किंग विक्टर एमिनल टू, तो किंग यहाँ पर रहते थे सार्डिया पिडमेंट में रहते थे और इनके ऊपर पूरी की पूरी जिम्मेदारी आई पूरे इटली को एकीकृत करने की, पूरे इटली को यूनिफाइड करने की। अब उन्होंने क्या किया था कि उनको एक मंत्री था जिसका नाम था काउर, एक मंत्री था, ना ही वो क्रांतिकारी था, वो भी कोई एक क्रांतिकारी नहीं था और वो डेमोक्रेसी में विश्वास भी नहीं करता था। अब उसने एक चाल चली थी, पहले सार्डिया पिडमेंट और फ्रांस के बीच में जो ट्रीटी हुई थी उसमें सबसे बड़ा रोल दिमाग उसने चलाया था काउर ने, और इसकी वजह से वो ऑस्ट्रिया को हरा सके थे। द चीफ मिनिस्टर काउर थ्रू डिप्लोमेसी एलाइड फ्रांस टू डिफेक्ट ऑस्ट्रिया इन 1859, तो सबसे पहले 1830 से शुरुआत हुई थी, तब एक विचार आया था इटली का यूनिफिकेशन करने का। फिर आपने बीच में जो एज देखा, एज रिवोल्यूशनरी एज 1832 1848 तब तक भी ये बातें चली। उसके बाद 1859 में जो रियल घटना बनी वो ये थी कि वो ऑस्ट्रिया को हरा दिया। इसके बाद 1860 और 1861 में टोटली 100% इटली का यूनिफिकेशन हो गया। गैसिपी गोरिबाल्डी अ रिवोल्यूशनरी टू जॉइन द अलायंसेस एंड द ड्रॉ अवे ऑफ स्पेनिश रूलर, तो स्पेनिश रूलर को हटा के गोरिबाल्डी ने भी यहाँ बहुत बड़ा रोल दिया था, वो भी एक क्रांतिकारी था गोरिबाल्डी। तो यहाँ पर देखा जाए तो सार्डिया पिडमेंट 1859 में उनको ऑस्ट्रिया को हराने के बाद ये पूरा का पूरा जो एमिनल के हाथ में किंग एमिनल टू विक्टर एमिनल टू उन्होंने ये पूरी जिम्मेदारी ली। इसके बाद जो गोरिबाल्डी था उन्होंने गैसिपी मेजिनी के नेतृत्व में भी एक स्वयंसेवकों ने, उनके जो ट्रेंड सैनिक भी थे साथ में बट कुछ स्वयंसेवक सामने से जुड़ के आए और उन्होंने भी बहुत बड़ा रोल इसमें दिखाया। इसके बाद ये हुआ कि 1860 में साउथ इटली था जो दो सिसिलीज कंट्री में डिवाइडेड था, दो सिसिलीज स्टेट में डिवाइडेड था सॉरी, तो इसके अंदर भी उन्होंने जो स्पेन के अंडर में था और इनके उनके वहाँ जो किसान थे ज्यादातर लोग वहाँ अनपढ़ थे, इलिटरेट थे, तो वहां पर भी गोरिबाल्डी ने बहुत कोशिश की और पूरा का पूरा एक मर्ज एक बना के पूरा का पूरा इटली का एक यूनिफिकेशन करने में बहुत बड़ा रोल दिया। इसके बाद बहुत का काफी इटली के जो बहुत सारी जनता थी वो बहुत निरक्षर थी, मतलब कि इलिटरेट पीपल थे वहां पर, और उन्होंने इटली में जो किसानों के बीच गोरिबाल्डी का समर्थन ज्यादा मिला, उन्होंने किसानों का समर्थन किया, किसानों की बात सुनी। कोई भी रिवोल्यूशन में पीजेंट तो आएंगे आएंगे,
कोई भी रिवोल्यूशन देखो उसमें गरीब जनता है, मिडिल क्लास है, उसी के जरिए ही ये रिवोल्यूशन चालू हुआ है। उसके बाद यहाँ पर जो लैंग्वेज इटली इटली की लैंग्वेज है इटालिया, तो यहाँ पर लोग फ्रेंच ज्यादा बोलते थे, यहाँ पर लोग जो एजुकेटेड पीपल थे वो ज्यादा फ्रेंच लैंग्वेज का यूज करते थे, फ्रेंच लैंग्वेज ज्यादा बोलते थे। बट यहाँ पर धीरे धीरे करके ये जो इटली का यूनिफिकेशन हुआ उसकी इटालिया की लैंग्वेज भी हुई। इसके बाद इसके बारे में लोगों ने कहीं सुना भी नहीं था, और विक्टर एमिनुअल विक्टर वहाँ के जो आइडेंटिटी यूनिफिकेशन हो गया इसके बाद पूरी की पूरी जिम्मेदारी विक्टर एमिनुअल के हाथ में आई। तो ये जो हमने पूरा पढ़ा उसमें तीन पर्सनालिटी के बारे में हमने देखा, एमिनुअल विक्टर, उसके बाद काउर एंड गैसिपी गोरिबाल्डी। तो ये तीनों के बारे में कई बार इटली यूनिफिकेशन ऑफ इटली के साथ जुड़े हुए हैं, और इनकी जो डेडलाइन में आया 1837 उनको विचार आया था, उसके बाद जो एज ऑफ रिवोल्यूशन चालू हुआ इसके अंदर भी कहीं ना कहीं उन्होंने स्वतंत्र होने की बात और अलग अलग टाइप की बात यहाँ पर आए देख आपको देखने को मिली थी। 1830 में जो गैसिपी मेज़िनी था उसने ये कोशिश किया था बट वो यहाँ पर फेल गया था। अब वो लैंग्वेज की बात आई तो कोई भी देश, यहाँ पर हमने आपने पहले भी देखा कि नेशन स्टेट, What is the meaning of nation state? Nation state ये है कि खुद की कोई एक लैंग्वेज हो, राष्ट्रभाषा हो, उसका कोई सॉन्ग हो, उसकी कोई कॉमन कल्चर, कॉमन आर्ट, कॉमन फोक सॉन्ग, फोक डांस, जो पूरी की पूरी उसकी कल्चर के बारे में बताया गया है उसको एक यूनिफाइड करके एक नाम दिया गया है नेशन स्टेट। तो यहाँ पर पहले जर्मनी का यूनिफिकेशन हमने देख लिया, अब इटली का यूनिफिकेशन देख लिया, और लास्ट में जो राजा थे वो यहाँ पर रूलिंग में आ गए। शायद हो सकता है कि ये काउर का भी दिमाग उसमें बहुत ज्यादा चला, और चीफ मिनिस्टर काउर ने जो ऑस्ट्रिया को हराने में 1859 में बहुत बड़ा रोल दिया था। यहाँ पर कई बार कंफ्यूजन हो जाता है 1859 में ऑस्ट्रिया को हराया, तो कई बार गैसिपी और काउर में ये गैसिपी गोरिबाल्डी और काउर में कन्फ्यूजन हो जाएगा। तो ध्यान से देखिए कि यहाँ पर चीफ मिनिस्टर काउर ने बहुत बड़ा रोल दिया था। जो ये सार्डिया पिडमेंट और फ्रांस की ट्रीटी हुई थी वो किसके जरिए हुई थी और किसने करवाई थी, और इसमें सबसे बड़ा रोल और जो ज्यादा दिमाग लगाया था मास्टरमाइंड वो था चीफ मिनिस्टर काउर। तो इसी प्रकार से यूनिफिकेशन ऑफ इटली भी हमने देख लिया यहाँ पर, फिर आगे देखेंगे ब्रिटेन के बारे में। जर्मनी और इटली देखने के बाद अभी हम देखेंगे ब्रिटेन के बारे में, द स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन। तो ब्रिटेन के साथ क्या क्या होनी अनहोनी हुआ था। तो ब्रिटेन सबसे पहले देखिए कि नो ब्रिटिश नेशन एग्जिस्टेड बिफोर 18th सेंचुरी। 18th सेंचुरी के पहले कोई ब्रिटेन नाम का कोई भी देश नहीं था, कोई एक राष्ट्र राज्य नेशन स्टेट नहीं था। तो क्या था, तो ये जो ग्रुप था उसको एथनिक ग्रुप कहा जाता था। एथनिक ग्रुप्स लाइक ब्रिटिश, वेल्स, स्कॉटिश एंड आयरलैंड के लोग थे, जो आयरिश लोग थे। तो ये चार जो जातियां थी ये सभी को मिला के एथनिक ग्रुप्स कहा जाता था। ये सभी ने मिल के जो बनाया था उसमें से यूनिफिकेशन होके इसका नाम था ब्रिटिश। आगे देखिए कैसे हुआ था, द ब्रिटिश आयरिश हैविंग देयर ओन कल्चर एंड पॉलिटिकल बेस। ये सभी के पास अपना अपना पॉलिटिकल बेस था, अपने अपनी राजसत्ता थी, अपने अपने कल्चर था, अपना अपना एक रीति रिवाज थे। तो ये सब लोग अलग अलग तरीके से रहते थे, और जो पूरा का पूरा जो आयरलैंड का ग्रुप से उसका जो यहाँ पर विवरण किया गया है एथनिक ग्रुप्स। अब देखें तो ग्रोथ ऑफ इंग्लिश नेशन इन वेल्थ एंड द पावर एंड इंग्लिश पार्लियामेंट सेज्ड मोनार्जी इन 1688 में जो मोनार्जी को बंद करके मोनार्जी के ऊपर जो रूलिंग पावरिंग में एक बड़ा पावर एक नेशन के रूप में ग्रोथ ऑफ इंग्लिश नेशंस इन द वेल्थ एक पार्लियामेंट बनाई इंग्लिश पार्लियामेंट उन्होंने सेज कर दिया सेज्ड मोनार्जी इन 1688 में राजा महाराजाओं को अपने अंडर में लाके एक पार्लियामेंट का गठन कर दिया। तो पार्लियामेंट जरूरी था कि पार्लियामेंट के जरिए वो पूरा का पूरा रूलिंग करना चाहते थे। अब एक्ट यूनियन 1707 में एक एक्ट यूनियन लाए बिटवीन इंग्लैंड एंड स्कॉटलैंड फॉर्म अ यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। तो ये इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच में जो एक्ट यूनियन जो हुआ था ट्रीटी की तरह 1707 में, तो उन्होंने यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन बनाने की बात की और वो बन गया। इसके बाद सिस्टमेटिक सप्रेशन ऑफ द स्कॉटिश कल्चर लैंग्वेज बाय द इंग्लिश बिगेन एंड मेनी वर ड्रिवन आउट ऑफ देयर होमलैंड्स। तो ये स्कॉटलैंड के ऊपर सबसे पहले उन्होंने स्कॉटलैंड के ऊपर नजर डाली, स्कॉटलैंड के लोगों को बोला
कि आप अपना धर्म छोड़ दीजिए, आप हमें हेल्प कीजिए। धीरे 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 पहले ये लालच दी, हम आपको हेल्प करेंगे, ये ब्रिटिश लोग थे तो पहले से बदमाश थे, धीरे 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 अंदर अंदर जाते गए और स्कॉटलैंड को कैप्चर कर लिया। अब स्कॉटलैंड के लोगों को जो उनकी लैंग्वेज थी वो भी बोलने का मना कर दिया, उनके जो पहनावे, उनका जो कपड़े थे, उनका जो कल्चर था वो भी मानने को बंद कर दिया। तो इस तरह से स्कॉटलैंड के कुछ लोग अपना होमलैंड छोड़ने के लिए भी जाना पड़ा, अपने होमलैंड छोड़ के भी चले गए और स्कॉटलैंड के ऊपर उन्होंने अपना आधिपत्य जमा लिया। ये काम था ब्रिटेन का, इंग्लिश का। अब इसके बाद क्या हुआ था कि ये ब्रिटिश हेल्प टू प्रोटेस्टेंट, तो जो क्रिश्चियन में दो टाइप के आते हैं, कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट, दो संप्रदाय थे, तो प्रोटेस्टेंट को हेल्प करते थे और देन अगेंस्ट द कैथोलिक ऑफ द आयरलैंड। तो आयरलैंड में देखा जाता है कि कैथोलिक की पॉपुलेशन ज्यादा होगी, तो उनके ऊपर प्रोटेस्टेंट को हेल्प करके उन्होंने आयरलैंड को दबाने की कोशिश की। तो पहले स्कॉटलैंड तो ले ही लिया उन्होंने, स्कॉटलैंड के ऊपर तो अपनी प्रॉपर्टी, अपना आधिपत्य जमा लिया है, अपना रूलिंग जमा लिया। इसके बाद बारी आई आयरलैंड की, तो आयरलैंड के ऊपर भी उन्होंने इस तरह से ही रूलिंग किया। Later, the Catholic revolt too was suppressed. In 1801, Ireland was also incorporated to the forcibly into the United Kingdom. अब ये सभी के अंदर जो ये पार्लियामेंट बनाई, तब ब्रिटेन का इंग्लैंड है वो बीच में था, तो इसी तरह से उन्होंने जो यूनिफिकेशन का आइडिया यहाँ पर चालू किया था, इसके अंदर देखा जाए तो सभी के बीच में यहाँ पर इंग्लैंड था, जिसके केंद्र में इंग्लैंड था और इंग्लैंड से ये शुरुआत हुई। तो पार्लियामेंट की बात आई 1688 में, तो ये पार्लियामेंट के बाद उनको, उन्होंने जो मोनार्ची थी उनको धीरे धीरे डाउन कर दिया। इसके बाद पास वाले कंट्री में स्कॉटलैंड 1707, स्कॉटलैंड के बाद आयरिश, ये दोनों को अपने अपने हाथ में कैप्चर करने के बाद स्कॉटिश हाईलैंड्स के जो निवासी थे, जो कैथोलिक संप्रदाय के थे, उनको जबरदस्ती ये दमन का सामना करना पड़ा, जबरदस्ती ये उनके रूलिंग का सामना करना पड़ा ब्रिटिश के लोगों का। और अपनी जो नेशनल, अपना जो ड्रेस पहनते थे, अपना जो लैंग्वेज बोलते थे, उनको भी उनको बंद करना पड़ा, जो गेलिक लैंग्वेज बोलते थे। गेलिक लैंग्वेज वॉज यूज्ड इन द स्कॉटलैंड, तो गेलिक लैंग्वेज भी बोलने पे मना कर दिया था। तो इसी तरह से उनके ऊपर कैसे भी जुलम करके उन्होंने स्कॉटलैंड को पूरा का पूरा कैप्चर कर लिया था। रिवाइज करें, उसके बाद जो हमने देखा कि आयरलैंड को भी उन्होंने कैप्चर कर लिया था, तो आयरलैंड के अंदर भी उन्होंने बड़े आसान तरीके से जो प्रोटेस्टेंट धर्म के जो लोग थे, उन्होंने कैथोलिक के ऊपर अपना रूलिंग जमा दिया। और ऐसे करते यूनाइटेड आयरिश मैन, यहाँ पर एक बंदे का नाम आता है वोल्फटोन, और उस यूनाइटेड आयरिश मैन की लीडरशिप में एक विद्रोह सफल हुआ जो 1801 में हुआ था। तो ये जो आयरिश मैन जो थे, जो इनका नाम क्या था, वोल्फटोन, तो उनकी टीम थी यूनाइटेड आयरिशमैन 1798 में, तो उनका जो विद्रोह हुआ 1801 में, उनको भी सफल नहीं होने दिया, उनको भी सक्सेस नहीं मिली, और लास्ट में जाके ये जो ब्रिटिश है, तो ये ब्रिटिश का पूरा ब्रिटेन, पूरा का पूरा यूनाइटेड किंगडम, जो पूरा का पूरा यहाँ वर्ल्ड के मैप में सामने आया। तो पूरा का पूरा मिला जुला के उन्होंने जो जो भी कंट्री के साथ उनको गठबंधन किया या जो भी किया, उनके साथ जो एक्ट यूनियन लगाया 1707 1801 में, ऐसा करने के बाद वो पूरा का पूरा ब्रिटेन अभी एक ब्रिटेन के रूप में यहाँ पर वो मैप में दिखाई देने लगा। मतलब कि ये रिवॉल्यूशन में, ये पूरे के पूरे नेशनलिज्म में हमने देखा यूरोप में, इटली, ब्रिटेन और जर्मनी के बारे में, ये तीनों की तीनों एक शक्ति बनकर, एक नेशन स्टेट बनकर बाहर आए और इनका एक फ्लैग भी बनाया। पूरे के पूरे ब्रिटेन को कंपाइल करने के बाद यूनियन जैक जो फ्लैग बनाया, और इसके बाद उनका जो गाना है, उनका वो नेशनल सॉन्ग है गॉड सेव आवर नोबल किंग, ये गाना भी उन्होंने बहुत बढ़ावा दिया, बहुत फेमस कर दिया। और इस तरह से पुराने राष्ट्र में से ये बहुत बड़ा एक यूनियन बन के बाहर आया, ब्रिटेन आया। तो इस तरह से उसकी ये कहानी थी द ट्रेंच केस ऑफ ब्रिटेन।